जागर जनस्थान मीडिया उत्तर महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य वृत्तवाहिनी वृत्तपत्र आपल्या सेवेत सांस्कृतिक शैक्षणिक सहकार कृषि कला क्रीडा सर्वच क्षेत्रातील घटकांचा न्याय हक्कासाठी जनजागृतीसाठी आम्ही घेऊन येत आहोत जागर जनस्थान ही आपल्या हक्काची वृत्तवाहिनी वृत्तपत्र सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशा सर्व माध्यमातून पोहोचवणार सर्वसामान्यांचा आवाज उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काची एकमेव वृत्तवाहिनी जागर जनस्थान जागर जनतेचा जनतेसाठी सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान नमस्कार मी रोहन सोनुने जागर जनस्थानच्या पंचवटी सुपरफास्ट मध्ये आपलं स्वागत आहे आपण बघणार आहोत बातम्यांचा वेगवान आढावा भारत जगातील तिसरा सर्वात प्रदूषित देश तर दिल्ली प्रदूषणाची राजधानी आहे भारत हा जगातील प्रदूषित देशांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून राजधानी दिल्ली ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचं आयक्यू एअरनं आपल्या एका अहवालात सांगितलं आहे देशभरातील कोरोनाच्या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असल्यानं ही चिंतेची बाब आहे राज्यातील महत्त्वाची शहरं कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनत आहे मात्र कोरोनाचे रुग्ण सापडण्यामध्ये एखादा वेगळा पॅटर्न प्रत्येक शहरात दिसतोय मुंबईत झोपडपट्टीपेक्षा इमारतींमध्ये कोरोनाचे अधिक रुग्ण सापडत आहेत झोपडपट्टीतील रहिवाशांवर इम्युनिटीचं वरदान आहे का इमारतीमध्ये कस काय पेशंट सापडत आहेत असा सवाल सगळीकडे उपस्थित होतोय मुंबईत स्फोटकांना सापडलेली गाडी आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण ढळून निघालंय सचिन वाझे यांच्याकडून एनआयएच्या टीमनं मर्सिडीज गाडी जप्त केली आहे पण या गाडीसोबत भाजपा नेत्यांचा संबंध असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे सचिन सावंत यांनी पुराव्यानिशी फोटो ट्विट केल्यामुळे जास्तच खळबळ उडाली आहे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे एका एपीआरमुळे महाराष्ट्रात सरकार अस्थिर होणार नाही चंद्रशेखर यांचं दिल्लीतील सरकार दोन हवालदारांमुळे कोसळलं होतं महाराष्ट्रात तसं काहीही होणार नाही असा सावा संजय राऊत यांनी केला आहे ते दिल्लीत बोलत होते देशात आणि राज्यात नवमध्यम वर्गीयांची संख्या वाढताना दिसत आहे हुरुन इंडियानं नवमध्यम वर्गीयांसंबंधी एक अहवाल स्पष्ट केला असून त्यामध्ये महाराष्ट्रात तब्बल 56,000 कोट्याधीश असल्याचं सांगितलं गेलं आहे ही संख्या देशात सर्वोच्च असून महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश तामिळनाडू कर्नाटक आणि गुजरात यांचा नंबर लागतोय नाशकात आजपासून विवाह सोहळ्यांवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळं नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे पुढील आदेशापर्यंत शहरातील विवाह सोहळ्यांवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे जळगाव महापालिकेच्या महापौर उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी ऑनलाईन ऐवजी सभागृहात प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे दरम्यान याबाबत भाजपाकडून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे भाजपाकडून आलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडेही पाठवले आहे धुळे महानगरात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत आहे संसर्ग टाळण्यासाठी धार्मिक कार्यक्रम लग्न सोहळ्यांसाठी फक्त 50 लोकांनाच परवानगी देण्यात आली आहे त्यात आता पुन्हा वधू व वराच्या पित्याला विवाह सोहळ्याची परवानगी घेण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी लागणार आहे तसंच डीजे वाजवण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते दिलीप गांधी यांचं निधन झालंय दिल्लीतील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते मात्र आज पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली ते 69 वर्षाचे होते मंगळवारी त्यांची कोरोनाची चाचणीही पॉझिटिव्ह आली होती त्यानंतर त्यांच्यावर दिल्लीतल्या रुग्णालयात उपचार सुरू होते त्यांच्या पश्चात पत्नी 2 मुलं 1 मुलगी असा परिवार आहे दिलीप गांधी यांच्या पार्थिवावर दिल्लीतच अंत्यसंस्कार होणार आहे याच बातमीबरोबर पंचवटी सुपरफास्टमध्ये वेळ झाली आहे इथेच सामन्याची पण आपण कुठेही जाऊ नका लवकरच बघणार आहोत बातम्यांचा 26 आढावा तोपर्यंत पाहत रहा जागर जनस्थान नमस्कार न्यूज बुलेटिन मध्ये मी नयना आपलं स्वागत करते आपण घेतोय दिवसभरातील ठळक घडामोडींचा सविस्तर आढावा नाशिक शहरामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतीये कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी महापालिका क्षेत्रामध्ये पालिका प्रशासनानं निर्बंध लागू केले निर्बंधांनुसार परिसरातील दुकानांना सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 अशी वेळ ठरवून देण्यात आली आहे पण भद्रकाली परिसरातील दुकानदार या नियमांना सर्रासपणे हरताळ फासताना दिसत आहेत गेल्या काही दिवसापासून कोरोनाचा प्रसार नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणात होतोय जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढताना दिसत आहेत त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून नाशिक शहरात जमावबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले पण नाशिक शहरातील भद्रकाली परिसरात काही ठिकाणी संध्याकाळी 7 नंतर देखील सर्रासपणे दुकानं सुरू आहेत या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन होत नाही अनेक नागरिक कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर मास्क न वापरता तसंच प्रशासनानं घालून दिलेल्या नियमांचं पालन न करता फिरत असल्याचं दिसतंय
प्रशासनानं घालून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्यानं या दुकानदारांवर कारवाई होईल का असा प्रश्न जनसामान्यांनी उपस्थित केला. जागर जनस्थानसाठी प्रकाश दुर्वे, नाशिक. धुळे जिल्ह्यातील साक्री शहरातून गेल्या अनेक दिवसापासून मोटरसायकल चोरीच्या घटना घडत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर साक्री पोलिसांनी अगदी शिताफीनं सापळा रचून मोटरसायकल चोरणाऱ्या दोन चोरट्यांना गजाआड करून त्यांच्याकडून 8 दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. साक्री शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळून होंडा शाईन कंपनीची दुचाकी चोरल्याची तक्रार साक्री पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. तसंच साक्री, कुसुंबा, नेर, पिंपळनेर इत्यादी ठिकाणाहून दुचाकी चोरीच्या घटनाही घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर साक्री पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांना मिळालेल्या माहितीनुसार मोटरसायकल चोरी करणारा रमेश दयाराम हाळनर हा साक्री परिसरात येणार असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यानुसार साक्री पोलिसांनी सापळा रचून रमेश हाळनरसह एका साथीदाराला ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून 8 दुचाकी हस्तगत केल्या. त्यांनी अजून किती दुचाकी चोरल्या आहेत याचा अधिक तपास साक्री पोलीस करत आहेत. त्याच्याकडे त्याची रिमांड घेण्यात आली. रिमांड दरम्यान त्याने अशा साक्री, पिंपळनेर, नामपूर तसेच धुळे इथून साधारण 8 मोटरसायकल ह्या चोरल्याचं आणि त्या भडगाव येथील इसम एक अटक आरोपी सजन देवबा सोनवणे याची मार्फत विकल्याची माहिती दिली होती. त्याप्रमाणे तपास करून 8 मोटरसायकली ह्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. साधारण 4 लाखाचा मुद्देमाल हा हस्तगत करण्यात आलेला आहे. त्या मोटरसायकलची ओळख पटवणं अजून बाकी आहे. त्यामुळे ज्यांच्या पण अशा मोटरसायकली आजूबाजूच्या परिसरामध्ये चोरल्या गेल्या असतील त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन आपल्या मोटरसायकलची खात्री करून. जागर जनस्थानसाठी नागिंद मोरे, धुळे. सचिन वाझे प्रकरणातील मर्सिडीज माझीच होती, पण ती फेब्रुवारीमध्येच कार 24 या ऑनलाईन कंपनीला विकली आहे, त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही आहे. ही गाडी माझी असली तरी फेब्रुवारी महिन्यात ही गाडी मी विकली आहे. त्याबाबतचे सगळे कागदपत्र माझ्याकडे आहेत आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून विचारणा झाली तर त्यांना सहकार्य नक्की करेन. ज्याच्याशी माझा व्यवहार झाला आहे ती देखील सगळी कागदपत्र माझ्याकडे आहेत. तपास यंत्रणेला काही माहिती हवी असल्यास सहकार्य करणार असल्याची प्रतिक्रिया सारांश भावसार यांनी दिली आहे. कालपासून सचिन वाझे प्रकरणामध्ये जी काही मर्सिडीजचा उलगडा झालेला आहे आणि जे काही ते न्यूजला येत आहे तर ती मर्सिडीज माझी होती आणि मी ती फेब्रुवारी 2021 मी ती ऑलरेडी कार 24 कंपनीला सेल आउट करून दिलेली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाशी माझा काही एक संबंध नाही आहे आणि ऑलरेडी तपास यंत्रणेला मी जो काही कॉपरेट लागेल तो 100% मी कॉपरेशन त्यांना देईन. मला जी काही विचारणं होईल किंवा जी काही डॉक्युमेंटेशन त्यांना द्यायची असेल ते मी 100% त्यांना प्रोव्हाइड करेल. तुम्ही ही 2021 फेब्रुवारीत आपण गाडी विकलेली होती आणि प्रोसेस तिची ऑनलाईन ऑप्शनला गाडी जाते आणि ऑनलाईन ऑप्शन जाऊन ती गाडी कार 24 सेल होते. नाही, सचिन वाजेंशी माझा कधीही संपर्क नाही. मी ते काल नाव पहिल्यांदा ऐकलं आणि एवढ्या मोठ्या प्रकरणात माझ्या काही रोल नाही. नाही, ते मला नाही समजू शकत आणि ते विचारायचा माझा राईट आहे नाही. माझी डील ही कार 24 झाली होती तर तुम्ही ते नाव त्यांना विचारू शकतात. द्राक्ष पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना साप आणि नागाचं दर्शन बागेत अचानक होत असल्यानं काळजात धडकी भरतीय. द्राक्ष हंगाम तेजीत सुरू झालाय, त्यात उन्हाचा तडाखाही दररोजच वाढतो. अशा द्राक्षांना डीपद्वारे पाणी दिल्या जातंय, त्यामुळे द्राक्ष बागेत गारवा निर्माण होतो. उन्हाळ्यात द्राक्ष बागेत गारवा असल्यानं साप आणि नागांचा वावर वाढण्याची घटना. पिंपळगाव बसवंत येथील चेतन बस्ते या द्राक्ष बागायदार शेतकऱ्याच्या शेतात 5 फुटाचा भला मोठा नाग द्राक्ष बागेत वेलीवर असल्यानं शेतकऱ्याच्या पायाखालची वाळूच सरकली. ऊन वाढलेले सध्या, तर या उन्हामुळे सापांचा वावर खूप आहे द्राक्ष बागेत. तर प्रत्येक शेतकऱ्यांनी त्या सापाची काळजी घेतली पाहिजे. पायात बूट पाहिजे, वरती चालताना बघून चाललेलं पाहिजे, रात्री फिरताना बॅटरी पाहिजे, कारण या उन्हात ते ना साप जास्त प्रमाणात बाहेर पडतात. आणि कृपया सापांना कोणी मारू नका. तत्काळ सर्पमित्राला बोलावून नागाला ताब्यात घेत सुरक्षित स्थळी नागाला पुनर्वासत सोडण्यात आलंय. मात्र बागेत जाताना डोक्यावर टोपी, पायात बूट तसंच रात्रीच्या वेळी बॅटरीचा वापर करणं गरजेचं असल्याचं सर्पमित्रांनी सांगितलं. शेतकरी वर्गांनी द्राक्ष बागेत शिरताना किंवा रात्रीचे काही
बागात वावरात काही काम करताना स्वतःची काळजी घेणे, कारण उन्हाची ताप जास्त असल्यामुळे साप हा बागेत किंवा शेतात आपल्या फिरत असतो, तर सगळ्यांनी त्याची काळजी घ्यावा आणि साप मारू नये. साप जवळील सर्पमित्रास फोन करावा आणि त्यांना तो साप घेऊन जाण्यास सांगावं, का साप हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे. जागर जनस्थानसाठी आसिफ पठाण, लासलगाव. न्यूज बुलेटिन मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत रहा जागर जनस्थान. सुरक्षा आपली जबाबदारी. ट्रिपल एस सिक्युरिटी बाउन्सर्सची आम्ही पुरवतो कॉर्पोरेट सेवा, औद्योगिक सेवा, वित्तीय संस्था सुरक्षेसह अंगरक्षक, सशस्त्र रक्षक पुरवणारी विश्वासार्ह संस्था, बॅक टीम सपोर्ट, वेल डिसिप्लिनरी युनिफॉर्म स्टाफ, ट्रेन वायझरी युनिट, मुख्य कार्यालय 4 अंबिका अपार्टमेंट, साधू वासवानी मार्ग, कोलाराम कॉलनी, नाशिक 422002, दूरध्वनी 02-253-2-31-50-52, बाउन्सर गणेश 7218-65-600, बाउन्सर जाकीर 9130-27-8513. पैठणीच्या दुनियेतील एकमेव विश्वसनीय नाव म्हणजेच कापसे पैठणी. दर्जा, गुणवत्ता, सुबकता आणि विश्वासाच्या बळावर केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं नाव अर्थातच कापसे पैठणी. जेथे आहे अस्सल येवला पैठणी सोबतच कांजीपुरम, गडवाल, पटोला, चंदेरी, बनारस सिल्क साडी, नवरीचा शालू, नव्वार पैठणी, घागरा, सेला, दागिना सिल्क, कलांजली सिल्क, दुल्हन साडी, मानापानाची सुरत साडी, पैठणी पर्स आणि आणखी कितीतरी व्हरायटीज. सोबत नामांकित कंपनीचे शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सूट, कुर्ता, पायजमा, डिझायनर सुटिंग शर्टिंग आणि रेडीमेड जेंट्स वेअर. आमची वैशिष्ट्ये: ऑनलाईन खरेदी सेवा, बसत्याची खास व्यवस्था, प्रशस्त एसी भव्य दालन, पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था, तात्काळ ग्राहक सेवा. तेव्हा एक वेळ अवश्य भेट द्या. तसंच कोविड-19 सर्व नियमांचे पालन करीत घ्या खरेदीचा मनमुराद आनंद. आमचा पत्ता: कापसे पैठणी, काळा मारुती रोड, येवला, जिल्हा नाशिक. फोन नंबर 02559-267-358, 02559-268-358. प्रोप्रायटर श्री बाळासाहेब कापसे, तसेच श्री दिलीप खोकले, तसेच समस्त कापसे परिवार. ब्रेक नंतर आपलं स्वागत. श्री गोंदा शहरामध्ये अनेक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू झालेत. अत्याधुनिक सुविधा या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहेत, पण तरी देखील या हॉस्पिटलमध्ये उपचार होत नाहीयेत. पैशांसाठी रुग्णांची अडवणूक केली जाते अशा हॉस्पिटलची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी श्री गोंदा शहरातील ससाणे नगर आणि सिद्धार्थनगरमधील सर्व बहुजन समाजाच्या वतीनं तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. श्री गोंदा शहरामध्ये अनेक अत्याधुनिक सुविधा असलेलं हॉस्पिटल उपलब्ध आहे, पण या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी हलगर्जीपणा केला जातोय. या हॉस्पिटलची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी श्री गोंदा शहरातील ससाणे नगर आणि सिद्धार्थनगर मधील सर्व बहुजन समाजाच्या वतीनं तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसंच या हॉस्पिटलवर कारवाई न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सूरज ससाणे या सफाई कामगाराचा काही दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला होता. शहरातील काही हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे सूरजचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईक आणि मित्र परिवारानं केला होता. सूरज ससाणे हा एक गरीब कुटुंबातील सफाई कामगार असल्यामुळे त्याच्याकडून पैसे मिळणार नाहीत म्हणून शहरातील संबंधित हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावर उपचार करण्यात आले नाही. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच सूरजचा जीव गेला असून त्या सर्व हॉस्पिटलवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे तालुकाध्यक्ष संदीप उमाप, अनिल ससाणे, नंदू ससाणे यांच्यासह अनेकांनी यावेळी निवेदनावर सह्या केल्या. जागर जनस्थानसाठी गणेश कवितकर, श्रीगोंदा. मनमाडसह नांदगाव तालुक्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढतीये, त्यामुळेच आमदार सुहास कांदे यांनी वेगवेगळ्या विभागाची तातडीची आढावा बैठक घेतली आहे. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे काही गोष्टींवर पुन्हा एकदा निर्बंध येऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जाते. नांदगाव तालुक्यात वाढत्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचं समोर आलं. यावेळी संतप्त आमदारांनी अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरत येत्या 8 दिवसात परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी तंबीच भरली. त्यामुळे भविष्यात परिस्थिती लवकरच सुधारेल अशी आशा व्यक्त केली जाते. जागर जनस्थानसाठी आमीन शेख, नांदगाव. राहता तालुक्यातील लोणीमध्ये इरिगेशन परिसरात कॅनलच्या शेजारी कच्चा रोडवर अज्ञात तरुणाचा मृतदेह आढळला. या घटनेची लोणी पोलीस ठाण्यात माहिती मिळत असताना घटनास्थळी भेट देऊन तपासाची चक्र फिरवली आहेत. राहता तालुक्यातील लोणीमध्ये इरिगेशन परिसरात कॅनलच्या शेजारी अज्ञात तरुणाचा मृतदेह आढळलाय. हा मृतदेह अर्जुन अनिल पवार वय वर्ष 25 राहणार बारागाव नांदूर याचा असल्याचं तपासात समोर आलंय. हा खून त्याचे मित्र दीपक डोळस आणि विठ्ठल कावळे यांनी केलंय असंही तपासात निष्पन्न झालंय. आरोपींनी अर्जुन पवार याच्या डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केला असल्याचं दिसत असलं तरी कारण मात्र अस्पष्ट आहे. आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास लोणी पोलीस ठाण्याचे API समाधान पाटील करतायत. या घटनेनं लोणी परिसरात खळबळ उडाली आहे. अवघ्या 3 तासात कुठलाही पुरावा नसताना गुन्ह्याचा तपास करण्यात लोणी पोलीस यशस्वी झालेत. या घटनेचा तपास जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसंच अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉक्टर दीपाली काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपविभागीय अधिकारी संजय सातव लोणी पोलीस ठाण्याचे API समाधान पाटील, PSI NB सूर्यवंशी हेड कॉन्स्टेबल, संपत जायभावे, SI घोडे पोलीस हवालदार, वाडेकर पोलीस नाईक धामणे, पोलीस नाईक देशमुख, दीपक रोकडे, शरद पवार यांनी ही कामगिरी केली आहे. जागर जनस्थानसाठी लखन गव्हाणे, राहता. लोकसभेत शैक्षणिक अनुदान धोरणावरील चर्चेत सहभागी होताना खासदार उन्मेष पाटील यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं. जळगाव जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या पाहता नव्यानं नवोदय विद्यालयाची स्थापना करावी. पाटणादेवी परिसरात देशातील एकमेव भास्कराचार्य मॅथेसिटी निर्मितीकरता केंद्रानं भरीव मदत करावी. त्याचप्रमाणे अमळनेर येथील 100 वर्ष परंपरा असलेल्या प्रताप तत्वज्ञान केंद्राला अनुदान देऊन या अभ्यासक्रमास वैश्विक रूप प्राप्त करून देण्यासंदर्भात हालचाल करावी. या जोरदार मागण्या त्यांनी लोकसभा अधिवेशनात केल्यानं जिल्ह्यातील शिक्षणप्रेमी शिक्षण तज्ज्ञांकडून खासदारांचं अभिनंदन केलं जात आहे. मैं मंत्री जी के सामने मेरे लोकसभा क्षेत्र के संबंधित कुछ मांगे कहना चाहूंगा. मंत्री जी, जलगांव में नवोदय विद्यालय की जरूरत है. 30 लाख मेरी जनसंख्या होने के बावजूद वहां पे नवोदय विद्यालय नहीं है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी स्वीकृति की जाए. मेरी दूसरी मांग है कि भास्कराचार्य जिनका जन्म स्थान मेरे क्षेत्र में है, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया है, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देते हुए जिस तरह आदरणीय पंतप्रधान जी ने साइंस सिटी अहमदाबाद में की है, उस तरीके से अगर मैथ सिटी का आप स्थापना करते हैं तो मुझे लगता है उनको सही तरीके से श्रद्धांजलि और सम्मान लेके एक देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक पहली मैथ सिटी अपने देश में होने का आपके नेतृत्व में ये होगा. तीसरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी की स्थापना जुलाई 1916 में मेरे कंस्टिट्यूंसी अमलेर में श्रीमंत प्रताप सेठ द्वारा किया गया और उस संस्था में सेंटर फॉर लर्निंग एंड रिसर्च इन फिलोसॉफी के लिए विख्यात है. मेरा सरकार से निवेदन है कि 100 साल उसको हो गए लेकिन अभी तक उसको लिए कुछ प्रावधान यूनिवर्सिटी या सरकार द्वारा किया गया नहीं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस का उसका स्टेटस दिया जाए और फिलोसॉफी जैसे डिसिप्लिन को मान्यता मिले. मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो नई एजुकेशनल पॉलिसी जो है अध्यक्ष महोदय, ये पॉलिसी जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि एजुकेशन विल चेंज द बिहेवियर, एजुकेशन विल क्रिएट द एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन विल क्रिएट द एंटरप्रेन्योरशिप. नौकरी मांगने वाला नहीं तो नौकरी देने वाला युवा कैसे बने. इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी से लेके एंटरप्रेन्योरशिप तक ये जो पॉलिसी आ रही है निश्चित रूप से देश के लिए एक अच्छी तरीके से रहेगी. धन्यवाद. थैंक यू वन एंड ऑल. नमस्कार. जागर जनस्थानच्या जागर कट्ट्यावर मी आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आपल्या मातीतलं टॅलेंट लोकांपर्यंत पोहोचवणं खूप गरजेचं असतं. म्हणूनच आज जळगावच्या मातीतलं एक उत्तम टॅलेंट ज्यांनी आपलं नाव मुंबईपर्यंत पोहोचवलं, साता समुद्रापारही पोहोचवलं, DIDपर्यंत त्याने आपला झेंडा रोवला, असं एक जळगावमधलं एक सुवर्ण नाणं आज आम्ही आपल्यासमोर आणतो आहे.
याचं नाव आहे तनय मल्हारा. डान्समध्ये जरी त्याची ओळख झाली असली तरी मात्र तो आता अनेक त्याच्या ब्रांचेसमध्ये काम करण्यासाठी इंटरेस्टेड आहे. नेमका काय आहे त्याचा प्रवास, नेमकं भविष्यात तो काय करणार आहे, विविध मुद्द्यांवर आपण आज तनयशी गप्पा मारणार आहोत. मात्र सर्वप्रथम आपण आज तनयचं आपल्या स्टुडिओमध्ये जागर कट्ट्यामध्ये स्वागत करूया. तनय, जागर कट्ट्यामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. थँक्यू 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 व्हेरी मच. तनय, कसा आहेस तू? मी कसा आहे, खूप छान आहे. जलगाव में रह रहा हूँ, जलगाव का एन्जॉय कर रहा हूँ. घरी आहेस? घरी आहेस. हो हो, जळगाव माझ्यासाठी दोन गोष्टी आहे, माझं घर आणि इकडचे लोक. तो क्या है ना, मैं जब भी जलगाव आता हूँ मुझे प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है. एक तो मेरी मम्मी का बहुत प्यार मिलता है क्योंकि मम्मी खाना बनाती है इतना टेस्टी, और एक दूसरा होता है कि जो लोग होते हैं जलगाँव के, एज एन जलगाँव के लोग इतने अच्छे, मतलब मैं तारीफ करने के लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर इतने अच्छे हैं कि जब भी होता है बोलता है तनय हमने तुझे वोट किया था, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही बढ़ते रहे. तो ये जो हाथ है मेरे ऊपर जलगाँव का, वो और मेरी मम्मी का हाथ, ये दोनों की वजह से मैं बहुत खुश हूँ जलगाँव में. मतलब आपको माँ का आशीर्वाद है और आप जलगाँव का भी आशीर्वाद है आपके लिए, इसलिए आप एक अच्छे से सक्सेसफुल लेवल पे अभी धीरे धीरे जा रहे हैं. मेरा आपसे कहना है, पूछना है तनय, कि डांस की जो शुरुआत थी ये एग्जैक्टली कहाँ से हुई? डांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मैं क्या है, ये स्टोरी मैंने ना लोगों को बताई है, पर कैसा है बेसिकली, मैं मेरी मम्मी पापा बहुत ही एक्टिव है. एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है, तो मम्मी को और पापा को इच्छा थी कि मेरा बेटा भी सब कुछ करे, ये करे वो करे. तो वो अलग अलग मुझे डांस क्लासेस में भेजते थे, ड्राइंग सिखाते थे, मलखम सिखाते थे. प्रमोट करते थे आप? अरे हाँ हाँ, ये बहुत अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को कोई अपॉर्चुनिटी देता है. एज इन मैंने 15-20 क्लासेस गया और उसमें से मुझे डांस पसंद आया और मैं डांस अच्छा करने लगा. तो मुझे इतना एक्सपोजर था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो एक्सपोजर दिया उसमें से मैं किसी में अच्छा निकल गया लक बाय चांस, तो उस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. तो वैसे ही मैंने अच्छी खासी क्लासेस ली, उसमें से डांस क्लास में मैं शाइन कर रहा था, मैं अच्छा कर रहा था. फिर मुझे एनकरेजमेंट मिला, मैंने अच्छा डांस किया और फिर मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में आने लगा. एज इन क्या है, एक नॉर्मल डांसर और एक और जो मैं हूँ अभी, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें मुझे ये फ़र्क लगता है कि मैंने कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा किए. मतलब जितनी बार मैं लोगों के साथ, मैं स्टेज पे गया हूँ, मैं हारा हूँ, मैंने गलतियाँ की है, मुझे गुस्सा आया है कि इसने मुझसे अच्छा डांस कैसे कर लिया, मुझे ऐसा लगा है कि यार ये मैंने डांस क्लास में इतना अच्छा किया था, स्टेज पे क्यों नहीं हुआ. तो ये जो बार बार मैं कॉम्पिटिशन्स करते गया, स्टेज पे करते गया, उसने मुझे बहुत अच्छा बनाया है एज एन अ डांसर, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है. अच्छा, तने स्कूल लेवल पे डांस के कारण कभी डांट खाई है या फिर वो क्या एक्सपीरियंस था? तो स्कूल, आपने जैसे स्कूल और डांस का बोला तो मेरे दिमाग में सबसे पहले किस्सा आता है, तो आई थिंक आई शुड शेयर इट. तो दिस इज़ एक बहुत ही फनी किस्सा है. तो क्या है ना, मैं बचपन में बाल मेरे बहुत लंबे रखता था, अब मैंने छोटे कर लिए पता नहीं क्यों, पर बचपन में मेरे बाल लंबे रखने की बहुत आदत थी. तो सब जानते थे कि तनय बाल लंबे रखेगा, पर क्या है, स्कूल में ऐसा नया रूल निकला था कि बाल छोटे रखने, सबको सब ऐसे थे कि वो इतना रखते थे, सारे हमारे सर आते थे बड़े बड़े और सबके बालों में से हाथ डालते थे और सबको बाजू में करते, तू इधर जा. और जब भी मेरे, क्योंकि मैंने एक दो डांस अचीवमेंट कर ली थी, मैं DID में कहीं गया था इधर उधर, मतलब थोड़ा हो गया था कि यार ये तनय है, तो मेरे पास आते थे और थोड़ा आजू बाजू देखते थे कि इसका क्या करना है. फिर मैं बोलता था सर मैं डांस करता हूँ, मेरे को बाल लंबे चाहिए. तो इसका कोई, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है. मतलब मैं बोलता था सर मैं डांस करता हूँ तो मेरे को बाल लंबे ही चाहिए, और वो मान भी लेते थे. और फिर मैं हमारी प्रिंसिपल से परमिशन लेता था, मैं लिख के जाता था कि सिस्टर मुझे डांस करना है, मैं डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे बाल लंबे चाहिए. मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, पर मैं बाल लंबे रखने की परमिशन मिलती थी. और आई यूज टू बी द किड कि जो अकेला पूरे स्कूल में बाल लंबे रख सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी मुझे मेरे बाल लंबे रखने दिए स्कूल ने. अच्छा, तो ना DID की जो शुरुआत थी, जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, एग्जैक्टली किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था, और वो जो ऑडिशन में सिलेक्ट होने का जो एक एक्सपीरियंस था कैसा था, क्या फील कर रहे थे आप उस वक्त, ज़रा हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो ये क्या है, ये ना ये ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैं जब पहली बार ऑडिशन किया था, एक्चुअली मैं यहाँ पे जलगांव में ही सीखा हूँ डांस, मेरा बेसिक यहीं से चालू हुआ है. जो अखिल सर है, जो उन्होंने मुझे डांस सिखाया था, मैं उनके यहाँ जाता था. तो वो क्या है ना, मैं बहुत ही छोटा था, मैं 8 साल का था, 9 साल का था, और तब मैं
अलग अलग रियलिटी शोज में जाने लगा, ऑडिशंस देने लगा और सर मेरे साथ थे। तो क्यों, जब कोई इतना छोटा होता है तो पहली बात तो कि समझना उसके साथ क्या हो रहा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे पता ही नहीं था आधे टाइम कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एज इन मैं जाता था एक रूम में, डांस करता था, वापस आता था और निकल जाता था। मुझे लगता है बस इतना ही है, चलो ठीक है, हाँ डांस करो ऑडिशन रूम में, वो देखेंगे, फिर तुम सबको साथ में बुलाएंगे, किसी लोगों का नाम लेंगे कोई लोग, और मेरा नाम तो लेंगे ही नहीं, तो मैं निकल लेता था वहाँ से खत्म, फिर दूसरे रूम में। मतलब बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर था यही होने वाला है। और मुझे पता भी नहीं था कि हो क्या, मतलब किस, अब वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, अगर सिलेक्ट हो जाऊंगा तो उससे क्या होगा, टीवी पे दिखूंगा। जब मैं डीआईडी गया तो मुझे डीआईडी का फुल फॉर्म नहीं पता था कि डीआईडी इज डांस इंडिया डांस। मेरे सर मुझे बोलते थे कि तने डीआईडी में जाना है, मैं बोलता सर जाएंगे ना डीआईडी में जाएंगे, पर डीआईडी होता क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चीज़ें होती गई, मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे सर मुझे बोलते रहते थे जा ये कर, और मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैं वैसा था कि एक स्टेप जब तक राइट आए नहीं तब तक करके ही देखते, एज इन ये नहीं तो ये करके देखते, ऐसा करके देखते। तो ये सब चीज़ें होती गई, और मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्री था, ओपन था, मुझे लगता है इसीलिए भी मैं बहुत सारे ऑडिशंस देते गया। अगर मुझे शायद समझ आ रहा होता कि मैं इतने सारे ऑडिशंस में जा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ बार बार, कोई मुझे लेना नहीं चाहता, मैं डांस ख़राब कर रहा हूँ, अगर मैं ये सोचने लग जाता तो मुझे लगता मैं नहीं कर पाता। तो मैं अच्छा था, छोटा था, कुछ समझ नहीं आता था, ऑडिशंस के लिए जाता था और लक बाय चांस और मेहनत की वजह से शायद कहीं लग गया नंबर। यस तने, आज आप जिस मकाम पे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आगे जाने की, लेकिन इस मकाम तक आने के लिए मैं आपके सर का नाम लेना चाहूँगा, आपके जो सर जिन्होंने आपको यहाँ पे सिखाया और मुंबई में आपके जो सर थे, आई डोंट नो उनके नाम नहीं है, उनके नाम मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, उन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है, आज आप क्या शेयर करोगे उनके बारे में जो जलगांव से हैं या फिर आपको मुंबई में जिन्होंने आपको हेल्प की, क्या कहेंगे उनके बारे में? तो देखो डांस जो मैं, मतलब ऐसा है कि डांस में वो मेरे पेरेंट थे। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तुम नए नए बॉर्न हुए हो तो तुम्हारे मम्मी पापा है, वो तुम्हें बताएंगे कि ये करो, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे ये खाओ, वो तुम्हें पहले पहले कपड़े खरीद के देंगे कि ये कपड़े पहनो। तो वैसा ही एक अलग लाइफ था डांस का। तो यहाँ पे अखिल सर, मैं अखिल तिलकपुरे सर है जिनके यहाँ पे सीखा हूँ, तो वो डांस में मेरे पेरेंट थे। एज इन मेरे को कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ ज़ीरो नॉलेज था, मैं ऐसा था कि मैं डांस में नया नया पैदा हुआ हूँ। तो वो एक पेरेंट की तरह मुझे बताते थे कि यार ये कर, ये मत कर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डांटते थे, चिल्लाते थे, प्यार करते थे, हंसते थे, मुझे लेके जाते थे। तो एक पेरेंट जितना एक गाइडिंग लाइट होती है ना कि उस, मतलब आपको उसको फॉलो करना है। हाँ, एज इन मतलब गाइडिंग लाइट, अगर पूरा अंधेरा है तो आप जाओगे कहाँ? अगर कोई लाइट है आपको दिख रही, रोशनी है हर जगह, तो पता तो भी चल रहा है यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो एक गाइडिंग लाइट है मेरे लिए, कि उन्होंने लाइट कर, रूम की बत्ती उन्होंने जला दी कि ये ले तने, इतना ये रूम है, ये दुनिया है, अब देखते को जो करना है। उन्होंने फुल अच्छे से पुश दिया कि ये ले, धक्का भी देता हूँ मैं, देखो जा आगे तक, ये रूम की लाइट मैंने जला दी तेरे लिए। तो वैसे मेरे लिए सर थे। और मुंबई में धर्मेश सर की मैं टीम में था, और उसके पहले भी तो क्या रियलिटी शोज में अंदर की भी एक टीम होती है जो आपको सिखाती है। तो वहाँ के जो अंदर के लोग थे वो, उनसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन जम गया था। वहाँ पर पॉल सर है, लिप्सा दी है, इन सब नाम शायद बहुत लोगों को पता नहीं होंगे, पर वो जैसे मेरे बड़े भाई बड़े बहन होते हैं ना, आपको आपके साथ मस्ती करते हैं, आपको बताते हैं कि असली में क्या होता है, कि अगर चॉकलेट खानी है तो कैसे चुपके से आप खा सकते हो। तो वो सब इनसाइड की जो बातें हैं डांस में, वो मुझे उन लोगों ने बताई। और धर्मेश सर तो थे ही, धर्मेश सर का इतना नाम मैंने सुना था कि यार ये धर्मेश सर है, उन लोगों ने, उन्होंने इतनी सब अचीवमेंट कर ली है। तो वो थे ही कि यार अगर डांस में कुछ करना है और अगर मेरे सामने धर्मेश सर खड़े हैं तो मुझे डांस तो अच्छा ही करना पड़ेगा, और यार ये खड़े हैं, इनसे कुछ सीख ले तने, कुछ तो सीख ले। तो सीखना बहुत ज़्यादा हुआ, उन्होंने सिखाया बहुत ज़्यादा, और अच्छा था सब कुछ। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लाइफ में ये सब हुआ। सारे लोग आपके हाँ, लाइफ में जुड़े और आप yes, yes. आगे बढ़ा। यस तने, और एक सवाल है मेरा कि डांस के अलावा और अभी आप क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हो, क्या कौन सी चीज़ें सीख रहे हो? तो मैं क्या सीख रहा हूँ अभी, तो मैं अभी मुझे आर्ट, जो एक ये जो शब्द है,
इससे मुझे एक अलग ही आजकल लगाव, हाँ एक अलग अलग सा लगाव, और उसके बारे में जितना मैं जानना, मतलब जितना भी मैं जान सकता हूँ वो जानने की एक मुझ में बहुत ही आदत और एक डिटर्मिनेशन बन गया है। इस दिन मेरा ये फोकस बन गया कि आर्ट, मतलब आर्ट है क्या, सबसे पहले तो आर्ट है क्या और मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या मैं कैसे खुद को ओपन कर सकता हूँ। तो मैं अलग अलग तरीके ढूंढ रहा हूँ अभी। तो जैसे मुझे परफॉर्मेंस, मैं बचपन से स्टेज पर जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैंने डांस तो एक्सप्लोर किया है, अभी मैं और क्या हो सकता है स्टेज पे जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थिएटर जो है, थिएटर जो मैं परफॉर्मेंस एक्टिंग इसमें मैं, हाँ इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, पर मुझे ट्राई करना है। मुझे मुझे बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ अभी कि मैं खुद को और खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एज इन डांस तो मैंने कर लिया है और मैं अच्छा खासा डांस करता हूँ, पर मैं और क्या कर सकता हूँ। एज इन अगर मुझे एक आर्टिस्ट की तरह डेवलप होना है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज तो है ही, पर मुझे बहुत, एज इन आप खुद को कब तक कैसे डेवलप करोगे, आप खुद को अलग अलग चीज़ें सिखाओगे, कुछ करके देखोगे। तो मेरा बेसिक एम अभी ये है कि मेरे को आई वॉन्ट टू डेवलप माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, एंड बेसिकली टू ओपन माई माइंड। तो मैं क्या, मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ अभी, तो अभी एक महीना हुआ है। मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं एक कोर्स कर रहा हूँ अभी, मैं फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। तो एक कोर्स कर रहा हूँ जिसका नाम है फिल्म टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन। तो एक नया नया कोर्स है, फिल्म के बारे में सीख रहा हूँ, राइटिंग के बारे में सीख रहा हूँ, डायरेक्शन के बारे में सीख रहा हूँ। तो हाँ बेसिकली ये सब करने की कोशिश चल रही है। ओके तो नहीं मतलब कैसे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर कोई किसी इंसान को एक ही चीज़ में अगर उसको सक्सेस मिल रहा है तो उसी के डायरेक्शन में जाता है। वैसे जाना ज़रूरी भी है, लेकिन आर्ट को लेके अगर आप आपके सारे ब्रांचेस ओपन करते हो, सारे बींग्स ओपन करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो मज़ा है वो 10 गुना हो जाता है, वही आप अच्छे से कर रहे हो। मेरा अगला सवाल ये है कि अभी कॉलेज के जो ये रहता है दिन रहते हैं वो आपने किस तरीके से स्पेंड किए हैं, या फिर अभी आप जो मुंबई में आप कॉलेज कर रहे हैं वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा तो क्या है, ये मेरा बचपन से सपना था। तो क्या है ना, मैंने पूरा बचपन ही ऐसा बिताया है कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिशन में था, मेहनत करता था। तो ठीक है, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ड्रॉबैक्स भी है। एज इन आप मिस करते हो कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, एज इन मेरे दोस्त लोग, मेरे जो बाकी के उम्र के लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, वो इतना वो इंस्टाग्राम पे या स्टोरीज डालते हैं, बताते हैं कि हमने ये इधर जाके मज़े किए, वो जाके मज़े किए। तो मेरे दिमाग में भी था कब से कि यार कुछ एक बार देखते हैं ना कि सब लोग, मतलब सब लोग कैसे नॉर्मली जीते हैं। तो मेरा ये था कि मैं 11th 12th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फुल मज़े करूँगा, एज एन आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि केयर फ्री और कैसे सब कुछ नॉर्मल होता है। तो मैं 11th 12th में सेंट जेवियर्स कॉलेज में था मुंबई में, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। तो बेसिकली मेरे दोस्त का थोड़ा सा जो सेक्शन है अभी उस पर काम मेरा थोड़ा कम था, तो मैंने उधर इतने सारे दोस्त बना लिए। फिर वहीं से मैंने दोस्त बनाए तो मुझे पता चला अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में, तो फिर वहाँ से मैंने थिएटर करना चालू कर दिया, तो वहाँ से एक चीज़ हो गई। तो बेसिकली कॉलेज लाइफ में मैंने 11th 12th है जो जूनियर कॉलेज बहुत मज़े किए, तो अब मैं वापस आ गया हूँ कि नहीं चलो ठीक है आपने अच्छा काम किया है, आपको जो करना था कर लिया है, पर वापस अभी अगर आपको आगे जाना है तो ये ब्रेक अच्छा था, इम्पॉर्टेंट था, पर अभी आगे जाते हैं। तो ये आपका इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था? जी, मतलब कॉलेज लाइफ कैसे हो रही है, किस तरीके से? और अभी तो क्या है, अभी लॉकडाउन हो गया है। Correct. तो मेरा जो फर्स्ट ईयर है उसके मैं नए दोस्त, और कॉलेज भी मैंने बदल दिया, तो मैं अभी तक मेरे दोस्तों को मिल नहीं पाया हूँ, और ऑनलाइन ही चल रहा है थोड़ा सा, कभी कभी मैं भी सो जाता हूँ लेक्चर्स में जो मेरे को क्योंकि क्या है मेरा दोपहर का है, तो खाना खाने के बाद कभी कभी गर्मी होती है, कभी कभी आप घर, आप क्या है, सब मुझे सबसे बुरा जब लगता है जब मैं रूम में होता हूँ और मेरा बेड बाजू में पड़ा होता है और एक तकिया है जो बहुत ही स्पंजी है, तो क्या है अब लेक्चर चल रहा है और गलती से थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट निकल गया, तो फिर मुझे वो तकिया, मेरी चादर धीरे धीरे बुलाती है अपने पास, वो देखना है कि मुझ में और क्या क्या है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जितना मुझसे हो सके मैं सब देखूंगा, और आखिर में तो डिसाइड ही करना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप, एज इन मैं खुद को जितना डेवलप कर सकता हूँ उतना डेवलप करूँ, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करूँ, एज इन आई वॉन्ट टू बी वेरी रिफाइंड, एंड वो होता है ना एक पॉट अर्थ का, तो आई वॉन्ट टू बी वेरी
एकदम बराबर, मुझे ऐसे टुकड़े उकड़े नहीं चाहिए मेरे, तो आई वॉन्ट टू बी वेरी डेवलप्ड, वेरी प्रीशियस, करेक्ट, करेक्ट भी नहीं, जस्ट डेवलप्ड, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी द बेस्ट वर्जन, पर आई एम एमिंग फॉर माई बेस्ट वर्जन, दैट इज़ माई विजन. तने, बहुत कम समय में आपकी, आपका जो नेचर है वो हमें जानने को मिला, और हमारे जो दर्शक थे, खास करके जो युवा वर्ग है जो ये सुनना चाहेगा कि आज का युवा किस तरीके से काम कर रहा है, आज का युवा अपने एक चीज़ जो सीख रहा है उसके साथ भी 10 चीज़ें सीखना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर रहा है. आज आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और आपने इतना अच्छा समय आज हमारे साथ बिताया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. ईश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी बरकत दे और आपको हेल्दी रखे, यही आज हमारी आपके लिए दुआ है. थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए. थैंक यू, थैंक यू. तर मित्रांनो, आपण पाहिलं आपल्याच मातीतलं एक नेतृत्व, एक युवा रत्न कुठल्या पद्धतीचा वाटचाल करत आहे. असेच वेगवेगळे मान्यवर आम्ही आपल्या जागर कट्ट्यावर आमंत्रित करत राहणार आहोत. तोपर्यंत आपण पाहत राहा जागर जनस्थान, जागर कट्टा. धन्यवाद. आणि या बातमीसोबतच न्यूज बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथे सामण्याची, मात्र आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जागर जनस्थान, सामान्यांच्या हक्काचं विचारपीठ. पुन्हा एकदा आपण सर्वांना सांगणे, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे घराबाहेर पडत असाल तर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करा, मास्कचा वापर टाळू नका, स्वतःबरोबर इतरांची काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा.